सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज, आज डिस्कस करेंगे मैफेजेस्ट किट के बारे में। टैबलेट्स को लेने पर वोमिटिंग हो गई है तो क्या करें? तो गाइज देखिए, अगर फर्स्ट टैबलेट लेने पर, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर अगर आपको 2 घंटे बाद वोमिटिंग हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन लेने के 2 घंटे के बाद अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना टाइम बहुत होता है इस टैबलेट को डाइजेस्ट होने के लिए और आपके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होने के लिए, ठीक है। अगली जो ये जो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है, अगर इन टैबलेट्स को लेने के 1.5 से 2 घंटे बाद आपको वोमिटिंग हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे पहले वोमिट हुई है तो आपको ये टैबलेट रिपीट करनी है। सेम ऐसे ही अगर 2 घंटे से पहले मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर आपको वोमिट हुई है 2 घंटे के अंदर, तो आपको दोबारा ये रिपीट करनी पड़ेगी और इसकी एक सिंगल टैबलेट आती है, आपको दोबारा से किट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है, अगर 1.5 से 2 घंटे में आपको वोमिट हुई है तो आपको दोबारा रिपीट करनी है उसी टाइम। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोबारा से ये टैबलेट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।